शीतला में राज बब्बर का सीधा मुकाबला राजा इंद्रजीत से। आज शीतला माता का आशीर्वाद लेकर चुनावी रण में कूदेंगे। 3 मई को नामांकन शक्ति प्रदर्शन हरियाणा के गुरुग्राम में। कांग्रेस प्रत्याशी एवं अभिनेता राज बब्बर आज 1 मई शीतला माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर चुनावी रण में कूदेंगे। राज बब्बर के गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से चुनावी दंगल में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। राज के लिए राज बब्बर व अहिरवाल के राजा कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह के बीच चुनावी दंगल फिक्स हो चुका है। कैप्टन अजय यादव के लाख प्रयास के बावजूद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की ही टिकट वितरण में चली और अब राज बब्बर की जीत की पटकथा भी हुड्डा ही लिखेंगे। नाराज अजय यादव का रुख किस तरफ रहेगा, इस पर तो लोगों की निगाह टिकी ही है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जीत के लिए जी जान झोंकेंगी। राव इंद्रजीत चुनाव में मात खा जाते हैं तो अहिरवार की उनकी राजनीति को भी धक्का लगेगा। राज बब्बर के गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की अटकलें लंबे समय से चल रही थीं। टिकट को लेकर कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा व कैप्टन अजय यादव आमने सामने थे। लालू यादव की भी सिफारिश पहुंची। प्रदेश कांग्रेस ने पैनल में 2 नाम तय किए थे। इसमें कैप्टन अजय यादव व राज बब्बर का नाम था। आखिरकार में हुड्डा की चली और हाईकमान ने राज बब्बर के नाम पर मुहर लगाकर यह मुकाबला रोचक बना दिया है। अभी तक यूपी की राजनीति में सक्रिय रहे राज पर पहली बार हरियाणा में धरातल पर राजनीति आगाज करने जा रहे हैं। उनका यहां पहला ही मुकाबला लगातार 4 बार के सांसद राव इंद्रजीत से होगा। इंद्रजीत सिंह ने लगातार 2 चुनाव कांग्रेस व 2 भाजपा टिकट पर जीते हैं। भाजपा टिकट पर वह 3री बार मैदान में हैं। राज के लिए हुड्डा लिखेंगे जीत की पटकथा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व राव इंद्रजीत सिंह की अदावत लंबे समय जारी है। जब हुड्डा सीएम थे और इंद्रजीत कांग्रेस के सांसद, तब भी दोनों के बीच बयानबाजी का दौर जारी रहता था। हुड्डा ने इस बार राज बब्बर को उतार कर इंद्रजीत को चक्रव्यूह में फंसाने का जाल फेंक दिया है। राज की जीत की पटकथा खुद हुड्डा लिखेंगे और टिकट उनके कारण मिला है तो वह इंद्रजीत को हार की माला पहनाने के लिए खुद भी जमकर पसीना बहाएंगे। राज बब्बर से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह सर्वप्रथम माता शीतला के दर्शन पर उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद 3 मई को भिवानी महेंद्रगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह का नामांकन दाखिल करवाने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुग्राम आकर राज बब्बर की नामांकन रैली में शामिल होकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता कुलदीप कटारिया का कहना है कि इंद्रजीत सिंह ने नामांकन सभा सिविल लाइन एरिया में छोटी सी जगह की थी और उसमें भी मुट्ठी भर लोग आए थे, जबकि वहां सीएम नायब सैनी से लेकर मंत्री और विधायकों की पूरी फौज थी, लेकिन जनता व वर्कर्स का भाव देखा गया था। 3 मई को राज बब्बर के नामांकन में भीड़ के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर हुड्डा एक प्रकार से इंद्रजीत सिंह पर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए मानसिक रूप से दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।